खबर दुर्ग से आ रही है, जहां शहर के गजपाड़ा स्थित श्री बाबा रामदेव मंदिर इस वर्ष अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। स्वर्ण जयंती महोत्सव को यादगार बनाने के लिए मंदिर समिति ने द्वारकाधीश के अवतार कहे जाने वाले श्री बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर 4 सितंबर से 15 सितंबर तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अशोक राठी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में वृंदावन से पधारे कथावाचक श्यामदेव शास्त्री के मुखारविंद से श्री रामदेव बाबा के जीवन पर आधारित संगीतमय अमृत कथा, भजन संध्या, कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, ध्वज यात्रा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं। स्वर्ण जयंती महोत्सव का शुभारंभ 15 सितंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। 14 सितंबर को शाम 6:30 बजे श्री बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हैं। यह आयोजन 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक बाबा रामदेव मंदिर गंजपारा में यह कार्यक्रम आयोजित है। और इस वर्ष जो है मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो हम लोग सभी समाज के सकल समाज जन मिलकर स्वर्ण जयंती के रूप में यह कार्यक्रम मना रहे हैं। और बहुत ही सुंदर आयोजन गंजपारा बाबा रामदेव मंदिर में हो रही है। इसके तहत पूरी गंजपारा में गंजपारा चौक से लेकर शक्ति चौरा मंदिर तक लाइटों की व्यवस्था की गई, पूरा हर घर में लाइट लगाया गया है। और 4 सितंबर से 12 सितंबर तक वृंदावन से पधारे श्री श्यामदेव जी शास्त्री जी का बाबा रामदेव जी के जन्म से लेकर विवाह तक का प्रसंग, पूरी संपूर्ण कथा का पूरा विस्तृत जानकारी कथाकार श्री श्यामदेव जी शास्त्री जी देंगे। और 13 तारीख को दसवीं के दिन झालावाड़ राजस्थान से पधारे हमारे देवेंद्र पनवर जी, जो बहुत बड़े प्रसिद्ध भजन गायक हैं, उनका भजन का कार्यक्रम है। और प्रतिदिन सवेरे अभिषेक पूरा 12 दिन वहाँ रामदेव बाबा मंदिर में होगी। और 4 तारीख को कथा की कलश यात्रा राम मंदिर से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर में आएगी। और 14 तारीख को भव्य शोभा यात्रा लास्ट दिन 14 तारीख को जो है उस दिन पूरा शहर में पूरे शहर के मार्गों से होते हुए रामदेव बाबा मंदिर में आएगी। और आखिरी दिन महाप्रसादी का आयोजन वहां पर किया गया है अपने बाबा रामदेव मंदिर के प्रांगण में। 8 तारीख से 15 तारीख तक यह आयोजन है बाबा रामदेव मंदिर गंजपारा दुर्ग में।